नंबर 3, एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यानी एक चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर के जरिए पता चला कि मोनालिसा की पेंटिंग 83% खुश, 9% घृणा करने वाली, 6% डरी हुई और 2% गुस्से में। नंबर 2, 23 जून 1852 को फ्रांस के एक कलाकार जिसका नाम ल्यूक मास्फेरो था, जो कि मोनालिसा की स्माइल और सुंदरता का दीवाना था, उसने पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद जब मास्फेरो का सुसाइड नोट मिला, उससे ये पता चला कि वो मोनालिसा के प्यार में कितना अधिक पागल था। नंबर 1, मोनालिसा पेंटिंग के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग को एक बहुत बड़ी और खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देगी, जिसका नाम द वेडिंग फीस्ट एट केना है। इसको इटली के ही एक पेंटर पाओलो वेरोंसे ने सन 1563 में बनाया था, लेकिन इस पेंटिंग के पास आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये मोनालिसा पेंटिंग की तरह फेमस नहीं है।